जल्दी मेरे आने की या खुशखबरी सुनने की कि मेरी प्यारी बहन कब दुल्हन बनकर डोली में बैठकर जाएगी? आप तो यही चाहते हैं कि मैं घर से चली जाऊं, सौतेली बहन जो हूं। पगली कहीं की, बहन कभी सौतेली नहीं होती, भाई सौतेला हो सकता है। बस मैं यूं गया और यूं आया, और सुनो इतने में तू उसे दोस्ती कर लेना। किससे? अच्छा किससे? उसी फोटो से। देखो भैया, आप ऐसी बातें करेंगे तो आपसे बोलूंगी नहीं। हाँ ठीक है, गरीब भाई जो ठहरा, अब क्यों बोलोगी? कहाँ वो राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली? की और है बात क्या है बन्नू? अरे बोल ना, सांस तो लेने दे मुझे। तुझे एक चीज दिखाती हूँ। फोटो किसका? नहीं बताती, जा। समझी, तब तो मैं भी नहीं देखती, कहीं मेरा ही दिल फिसल गया तो तू मुझसे लड़ेगी। हाँ एक बार देख तो ले इसे, खुद ही देखी जाएगी या मुझे भी दिखाएगी। ला, बड़ी फुर्सत से बनाया है भगवान ने, पर होशियार रहना, आंखें बहुत बड़ी हैं, तेरे समा जाने के बाद भी बहुत जगह बचेगी। कागज लगा देना, नहीं तो ताक झाक करेगा। हूँ, इस दिल से निकल पाए तब तो। चाचा जी, पिताजी के मरने के बाद हम तो ये सोचने लगे थे कि शायद आप अपना वादा भूल गए होंगे। बेटे, उसकी मौत ने तो उस वादे को और भी मजबूत बना दिया। तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है, मैं हूँ तेरा बाप, और दुर्गा इस घर में बहू बनकर नहीं, मेरी बेटी बनकर आएगी। लेकिन चाचा जी, दुर्गा को इस घर में लाने से पहले शंकर बाबू से देख तो ले। अरे दिखाने विखाने का नाम मत लेना, वो तो शादी के नाम से भागता है, मैंने तो उसे बताया तक नहीं। ठीक बारात के दिन एक हाथ में सेहरा और दूसरे हाथ में जूता लेकर खड़ा हो जाऊंगा, और फिर देखता हूँ कैसे नहीं करता शादी। ले दे के एक ही तो भतीजा है मेरा। लेकिन चाचा जी, उससे एक बार पूछ तो लीजिए। भूल कर भी नहीं, अपने तजुर्बे से फायदा उठा रहा हूँ। मुझसे पूछा गया था बेटे, सो मैं घर छोड़कर भाग गया था। तुम देख लो, आज तक बेठिकाने फिर रहा हूँ। तुम शंकर की बात छोड़ो, बड़े धमाके से बारात लेकर आऊंगा। चाचा जी, अरे सिंह साहब, रोको रोको गोरी। गोरी गोरी गांव की छोरी, जानी कहा जा रही हो मेरी रानी? प्यार की नैया में बिठा के ले जाएंगे। आओ आओ विष्णु सिंह, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुमार साहब, जो मजा इंतजार में है वो तो वसले यार में भी नहीं। लीजिए पीजिए। चुल्लू से पीने वाले उल्लू होते हैं विष्णु सिंह, बोतल लाओ। चीयर्स।
ये हैं हमारे कुमार साहब, अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बड़े भाई को कत्ल करके सारी जायदाद पर कब्जा जमा लिया और कानून को जेब में डाल लिया। अपने भी तो कहो विष्णु सिंह, कैसे अपने देश की खबरें दुश्मन को भेज भेज के दौलत इकट्ठी की है। क्यों आजी, मेरी छोड़िए, इनकी सुनिए। अब ये है जानकी राम जी, बहुत बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, ऐसा बढ़िया अस्पताल बनाया कि दो ही साल में अस्पताल नीचे और सब मरीज ऊपर। क्यों? और अब चूने की भट्टी लगाकर चूना लगा रहे हैं अपनी सरकार को, यानी के दारू बेचकर। अरे भाई, तुम तो वाकई गुरु निकले जानकी राम जी। कुमार साहब, मैं तो नहला हूँ नहला, दहले तो अपने ये पंडित जी महाराज हैं। मंदिर के सारे जेवर चुराने के बाद भी कानून के हाथ नहीं आए, चूंकि भगवान के सिवा और तो कोई गवाह था ही नहीं। समरिया गांव के किशन भगवान के मंदिर के पुजारी होने का तो राम कसम सिर्फ ढोंग है ढोंग। गांव की जितनी राधाएं हैं ना। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, अब ये बताइए याद कैसे किया, चक्कर क्या है? एक स्कीम है, लाखों रुपए का फायदा हो सकता है, गांजे के कुछ ट्रक इधर उधर करने हैं बस। कुमार साहब, आपको तो हर वक्त गांजा चरस, कभी गुलाबी होठों की बात कीजिए, नशीली आंखों की बात कीजिए, राम कसम पतली पतली नाजुक कमरिया की बात कीजिए कुमार साहब। समझा। चला। आ गया सरकार, आ गया। वो लड़की का खिड़की से? हाँ। खिड़की खुली कैसे? पूछताछ चल रही है सरकार, पूछताछ। पूछताछ के बच्चे, अब ये लोग तेरी शक्ल देखेंगे? जरूर देखेंगे सरकार, जरूर देखेंगे। गधे, धोरा मेरी नजरों से। कितनी तू सरकार। कुमार साहब छोड़िए, इस लड़की की बात छोड़िए, आते हुए हमने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की देखी है। सर पे गगरिया थी और कमरिया उसके बोल से लचक रही थी, लचक। बस कुमार साहब, आपका हुक्म हो जाए तो। अजी साहब, हुक्म की क्या बात है, आज आप सब लोगों को हमारी तरफ से दावत है, आइए। आज फिर किसी बिचारे की छुट्टी हो गई, छुट्टी। लगाऊंगी मांग सजाऊंगी।
भाई कुछ भी कहो, इस तरह लड़की का शिकार करने में कुछ अजीब ही मजा है। लेकिन कुमार साहब, लड़की मिले भी तो सही, आइए चलो। अरे भाई, अपनी तो लड़की को ढूंढते ढूंढते हालत पतली हो गई, परंतु लड़की ससुरी मिलती ही नहीं। क्या बेटा जानते? अरे महाराज, थक गए क्या? अरे महाराज, अभी और कितना तलाश करेंगे आप? अबे ये कोई हिरन का शिकार है जो जल्दी से मिल जाएगा? कुमार साहब, वो देखो सामने मिल गया। देर देर, परंतु ये तो वो नहीं, ये तो कोई और ही बालिका है। इससे क्या फर्क पड़ता है पंडित जी? लड़की कौन है तू? जयराम जी के कुमार साहब। अरे अरे बालिके, तुम अपना नाम बताओ तो हम तुम्हारी भी जय बोले। पंडित जी, पूजा का समय बीता जा रहा है। हाँ। वो किशन सिंह है ना? किशन सिंह, मैं उसी की बहन हूँ। तो हम क्या करें? ओहो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हर लड़की को किसी ना किसी की बहन तो होना ही चाहिए। कुमार साहब, मैं आप ही के गांव की रहने वाली हूँ, मुझे इन भेड़ियों से बचा लीजिए, मेरी शादी होने वाली है कुमार साहब। शादी होने वाली? मुझे जाने दो। जाना चाहती हो? जाओ। अरे ले 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 भाई, मेरी उंगली फंस गई हो। हे भगवान, प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रभु, पगली कहीं की भगवान से सीधी बात करती है, पंडित को बीच में डाले बिना। अपनी भाभी, रक्षा की ठेकेदार तो हम हैं, हमारा आशीर्वाद लिए बिना तो भगवान तेरी सुन ही नहीं सकते। आ, 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 अरे अरे अरे, अरे भागने दो, इसे थक जाने दो। मगर ख्याल रहे, ये गांव की तरफ ना भागने पाए। लेट्स गो। बचा लो मुझे इन गुंडों से।
तुम ताली नहीं बजाओगे? तुम ताली नहीं बजाओगे? तुम ताली नहीं बजाओगे? मेरे पास सरदार बनना चाहता है। अबे नहुआ, तूने ताली बजाई? मुझे पहले ही पता था कि तुम चील मारोगे, इसलिए पहले ही बजा लिया। सरदार, ये निशाना सर जमा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जमा। नहीं जमा। मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ निशाना कैसे जमता है। अब देखना हुआ क्या बच्चे, मेरा निशाना। देखो देखो, सी सी ला अरे मारा ना सरदार, ये तो अपना लाल गांव का किशन सिंह था। किशन सिंह हो या किशन सिंह, हमारे लिए दोनों बराबर है। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप सब हैरान होंगे कि मैंने ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है। आप सब ये तो जानते ही हैं कि लाल गांव केस इस वक्त हमारी इज्जत का सवाल बन चुका है। हमारा कोई भी इंस्पेक्टर कामयाब नहीं हुआ है, और आज आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शंकर अपने प्लान के साथ यहां आए हुए हैं। सर, वहां कोई भी प्लान काम नहीं कर सकता। सर, वो इलाका इस वक्त मौत का इलाका बन चुका है। सर, रंगा डाकू के डर की वजह से वहाँ का कोई आदमी पुलिस का साथ नहीं देता। मैं जानता हूँ, इसीलिए वहाँ कोई भी इंस्पेक्टर जाना नहीं चाहता।
सर, अगर मेरा प्लान आपको पसंद हो तो इस पर काम करने के लिए मैं खुद जाने को तैयार हूँ। खतरे से तुम वाकिफ हो। अपने देश और फर्ज के लिए अगर मुझे मौत से भी लड़ना पड़े सर, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश, देश को तुम जैसे बहादुर नौजवानों की जरूरत है। सर, चाहता हूँ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कोबरा नाम दिया जाए। मतलब? एक्सक्यूज मी सर, जलालगांव को जो तमाम इलाका है, जैसे सुहागपुर, सिमरिया, आम गांव, क्योटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बिल्कुल एक कोबरा के सर की तरह है सर। इंसानों के रूप में कोबरास थोड़ी भारी जनता का अमन और चैन लूट रहे हैं। मैं उनका सर कुचल दूंगा। मैं तुम्हें अपने तौर पर काम करने का पूरा मौका देता हूं। थैंक यू सर। माय बॉय, आज से 30 बरस पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था, और सर आज से 30 बरस बाद मैं भी आप जैसा हो जाऊंगा। तुम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। बेस्ट ऑफ लक। अरे ये तो कोई जला हुआ हीरा लगता है। लुटेरे से कभी हीरे की चमक कम हो जाती है पागल कहीं का। कहने जा रही हूँ मेरी जान, आओ मेरे मत में गोदी में बिठा कर ले जाऊंगा। आओ चलो। डाकू करण सिंह, की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। सब कुछ ले लो, मुझे जाने दो। ठाकुर, ठाकुर अब मेरे पास कुछ भी नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। हंसते क्यों हो? चश्मा दे दो, मेरी दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता, अब दिखाई देता है। जी हाँ। क्या आप सामने खड़े हैं? ये एक लड़की है। वहां से देख, जवान है, खूबसूरत है। उस वक्त तक इसे देखता रहे जब तक तुझे इसमें अपनी माँ बहन और बेटी दिखाई नहीं देती। दलील ये अब तुम्हारे पैरों में पड़ा है, इसे माफ कर दो। आपको अच्छे नहीं लगते, कहां जानी थी तुम? कहीं नहीं। किस गांव की हो तुम? किसी भी गांव की नहीं। कोई रिश्तेदार? एक भाई था किशन सिंह, मार डाला गया, मेरी आबरू लूट ली गई। भाई कभी नहीं मरता, वो किसी और रूप में आ जाता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। पहले तेरे भाई का नाम किशन सिंह था तो आज से करण सिंह है। क्या नाम है मेरी बहन का? दुर्गा। दुर्गा मैया की कसम बहन, तेरी इज्जत लूटने वाले को कुत्ते की मौत मारूंगा। बोल कौन था वो? एक हो तो बताओ। चार चार थे भैया, मेरी शादी होने वाली थी। होती है, इस लड़की का नाम दुर्गा हो उसे रोना नहीं चाहिए।
मुंह डालिए आंसू, दुर्गा मैया की तरह झल्ला कर उठ और राक्षसों का नाश कर दे। इन लोगों ने तुझे नंगा किया है, तू उन लोगों को नंगा कर दे। जिस समाज ने चुपचाप तेरी आबरू लूटने का तमाशा देखा है, उस बुजुर्ग समाज के मुंह पर थूक दे। जब तक ये बिंदिया तेरे माथे पर रहेगी, तू अपने आप को निर्बल समझती रहेगी। मिटा दे ये बिंदिया और थाम ले ये बंदूक। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम छोरी है, छोरी। अरे बाबा, लड़की हो या छोरी एक ही बात है। मैंने कहा ना, मेरा नाम छोरी है। बड़ा अजीब नाम है, लेकिन ये तो बता, तूने सड़क पे दुकान क्यों लगा रखी है? मैं मोटर वाले से बात नहीं करती। हाँ, ये तो मोटर वालों की खुशकिस्मती है। अब आप अपने तशरीफ का टोकरा हटाइए सड़क से। तुम्हारे तरफ बैंगन को तशरीफ कहते हैं क्या? एक मोटर वाला तो धक्का मारकर चला गया और दूसरी ये आए। सब मोटर वाले एक जैसे होते हैं। तुम्हारी किसी मोटर से टक्कर हो गई क्या? बेचारी मोटर को तो बहुत चोट आई होगी। तुम्हारी जगह से खिसकी हुई है क्या? मोटर मुस्टंडी को क्या चोट आएगी? बड़ा आया मोटर वालों की तरफ से बोलने वाला। अच्छा अच्छा, अपने बैंगन हटा सड़क से, चलो चलो। अच्छा ये बात है, तो अब 20 सड़क में बैठकर बैंगन गिनूंगी, देख ले। हाँ एक दो तीन। अरे भाई क्या करती हो, मुझे देर हो रही है। हट, देखो ना भुला दिया, अब फिर से गिनना होगा। एक दो तीन चार पाँच, बस। निकल गई ना अक्कड़, बड़ाया मोटर वाला। हाँ, अब देती हूँ तेरे को रास्ता, मोटर वाला। अरे अरे अरे, कमाल है। ले लो बिंदी तोरी, उंगली गोरी गोरी, बेचे गाँव की छोरी, बेचे गाँव की छोरी। डर गई, हट गई रास्ते से। ए, डर नहीं गई, देख मेरा घर आ गया। ये पगडंडी है ना, सीधे मेरे घर की तरफ जाती है, समझा? मुझे अपने घर का रास्ता बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक तो सही, ये ले। पहले अपना निशाना तो ठीक कर ले। मेरा निशाना कभी नहीं चुकता बाबू, ये तो मेरा पहला तोहफा है, पहला। इससे भी बड़ा तोहफा उस दिन दूंगी जिस दिन तेरी बारात सजेगी, समझा? नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ। हवलदार कवि श्रीधर कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह, सुना तो है ही नहीं। कानून माँ है मेरी, तो अफसर बाप। सर मैं चलूं? रफ्तार नहीं सुनेगा ना तो अंदर कर दूंगा, बैठ जा। कानून माँ है मेरी, तो अफसर बाप, पुलिस मैन की जिंदगी क्या है, सबकी खिदमत जनाब। हाय हाय यार, मेरी कविता में जादू नहीं है? जी वो तो है ही। आगे सुन। जेल के बाहर रहते हुए भी जेल के पास, और बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार के पास। अगला मिसरा बहुत गौरतलब है। हथकड़ी हाथ में हरदम, मगर हाथ में हथकड़ी नहीं। हाय 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 हाय, बैठ जा बैठ जा। हथकड़ी हाथ में हरदम, मगर हाथ में हथकड़ी नहीं। बुराई के बीच रहता है, मगर दिल में बुराई नहीं। हाय हाय हाय, श्रीधर कवि श्रीधर। श्रीधर सर, सर आप आ गए सर। सर आपके आने का सर्कुलर जब से पड़ा है ना, बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। नहीं, तुम्हारा कविता करने का भूत अभी तक नहीं उतरा? सर गांव में ले दे के एक भी तो पढ़ा लिखा आदमी है जो कविता समझता है। कौन है ये? जी जी, मैं इस गांव का स्कूल मास्टर हूँ। टीचर सर आप ही बताइए, क्या इनकी कविता न सुनना कोई जुर्म है?
नहीं नहीं कोई जुर्म नहीं, कोई जुर्म नहीं, इनकी कुर्ते से मैं निपट लूंगा, आप जाइए। नमस्ते। जाओ जाओ जाओ। इधर सर, आज से कविता बंद, काम शुरू। सर काम सर काम तो मैं कर ही रहा था। वो देखिए वो देखिए, बंद कर दो इसे, अंदर। देखा सर, इसे मैंने पकड़ा। श्रीधर सर, इसे मैं गिरफ्तार करके लाया। यही तो मैं कह रहा था सर कि मैं सर आपने पकड़ा। मैं समझा कि मैंने पकड़ा सर। दरअसल बात यह है कि जब से मैंने शादी कर ली ना, मेरा दिमाग कुछ। ओ मुबारक हो, मुबारक हो, आपने इस उम्र में भी शादी कर ली। जी जी। बच्चे कितने हैं? सर 11। ए 10 सर, 11 सर। फिर सोच लो सर, फाइनली 10 ही है। 10 जी। श्रीधर जी, जी आपने तो कमाल कर दिया। सर इसमें मेरा एक भी कमाल नहीं। क्या मतलब? दरअसल बात यह हुई कि मुझे समाज सुधार का दौरा पड़ गया। मैंने विधवा से शादी कर ली और वो दहेज में दसों के दसों बच्चे हैं, आप तो समझते हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। श्रीधर जी मेरे चीने भी मेरे हाथों में ब्याह की हथकड़ी पहनाने की पूरी कोशिश की। वंडरफुल। लड़की भी पसंद कर। लवली सर। लेकिन मैं हंसे फागा। लवली सर। क्या है सर? गाड़ी से भाटा मिला है। धन्यवाद सर। कुछ ना कुछ श्रीधर, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा। इसे उठाओ और इसका भरता बना के खाओ। यस सर। से फूल नीचे। सर उसके साथ फूलों का गुलदस्ता भी था, वो लग। इधर सर। श्रीधर सर शट अप। ओके सर। श्रीधर सर, मुझे 14 साल की उम्र में किया था और वो भी अपने नाजायज बाप का। नाजायज बाप का? हाँ सर, रंगा यही कहता है। सर वो एक वेश्या का बेटा है, वो कहता है कि वो नाजायज नहीं, उसका बाप नाजायज है। इसलिए सर वो माँ बहन बेटी किसी रिश्ते को नहीं मानता। सर उसके लिए गोली मार देना एक खेल है। वैसे कुछ वो पागल टाइप आदमी है सर, उसे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। हाँ। के खिलाफ? यस सर, मैंने उसके खिलाफ कविताएं लिखी हैं। अर्ज किया है कि रंग 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 और ये इसका नाम करम सिंह है, ये भी डाकू है, मगर रंगा की तरह राक्षस नहीं। सर अगर ये डाकू ना होता तो मुझसे अच्छी कविता कहता। हाँ साहब, अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो बड़े बड़ों की जमानत जब्त हो जाए, मगर रंगा इसकी जान का दुश्मन है सर। और ये? सर यह है दुर्गा, करण सिंह के गृह में नहीं आई है। अभी तक इसने कोई जुर्म नहीं किया है। सर पता नहीं क्या चक्कर है, करण सिंह इसे बहन मानता है। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि करण सिंह दूसरी तरह का आदमी है। मैं उससे मिलना चाहता हूं, हो सकता है वो सरेंडर कर ले। मैं उससे कहां मिल सकता हूं? सर गांव में पागल के बेस में हमारा एक आदमी है, वो इसका पता दे। डर गए? यहां नहीं गलेगी दाल, ये संसार है माया जाल। नमस्ते सर। अच्छा तो आप हैं, मुझे इस जाल से निकालो बाबा। पीछे पहाड़ी के पीछे मंदिर में जा मेरे लाल, भगवान सुनेंगे तेरा हाल, टूट जाएगा माया जाल। पीछे वाली पहाड़ी पे बाबा। हाँ मेरे लाल, समझ गया, हाँ समझ मेरे गया। लाल, ये संसार है माया जाल, मूरख छोड़ दरंगी चाल। राम राम दीनू काका। राम राम बेटा। आपकी बेटी का ब्याह परसों है ना? हाँ बेटा। लो ये रुपए और मेरी बहन को विदा करो डोली में। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। चाचा तो प्रयाग का मेला सर पर आ गया है करण सिंह। यात्रा पर जाने के लिए गांव वालों को कंबल चाहिए। घबराते क्यों? वो देखो धन भाइयों, आप सब जाकर अपने कंबल ले लो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुम्हें भी कंबल चाहिए क्या? जाओ जाओ ले लो अपना हिस्सा। हिस्सा? कौन सा हिस्सा?
लूट का? मैं अमीरों को लूटता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ। लूट तो लूट ही है, गरीबों में कुछ बांटना है तो अपनी कमाई में से बांटो। लूट का माल दान करने से कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता। कौन हो तुम? मेरे कुछ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है करण सिंह? फर्ज कर लो मैं एक स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर? स्कूल मास्टर तुम्हारी तरह खुशहाल नहीं होते। तुम जरूर पुलिस के आदमी हो, और वो भी खुफिया पुलिस के। पुलिस वालों से ना मेरी दोस्ती है ना दुश्मनी, मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता। डरते होगे शायद, कानून से डरना ही चाहिए। मैं नफरत करता हूँ तुम्हारे इस कानून से। कानून सिर्फ अमीरों का बनाया हुआ है। कानून फिर भी कानून है करण सिंह। तुम्हारे इस कानून ने मेरे बेगुनाह बाप को सजा दी, और उस महाजन को भी तुम्हारा अंधा कानून ना देख पाया जिसने मेरी माँ की इज्जत लूटने पर उसे डूबने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त तुम्हारा कानून कहाँ था जिस वक्त मेरी बेगुनाह बहन की इज्जत लूटी गई? तुम्हारा कानून सिर्फ गरीबों को सजा देता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये कानून। सूरज की तरफ पीट करके बैठ जाने से सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम लाख अपने दिल को समझाओ मगर कानून फिर भी कानून है, और तुम एक मुचरे। मुचरे जानते हो, तुमने अपने साथ साथ इस लड़की की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। ये भी किसी अच्छे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन अब किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार बन जाएगी, और इसकी लाश को भी संभालने वाला कोई ना होगा करण सिंह। मुझे मरे तो एक जमाना हो गया बाबू, अपनी लावारिस लाश अपने कंधों पे लिए घूम रही। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो फौरन चले जाओ यहां से। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इस राइफल के सामने कानून सर झुका देगा? याद रखो, एक अफसर के मर जाने पर तू मर जाता। भलाई इसी में कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों कम से कम सजा दी जाए, मैं वादा करता हूं। रेत पानी से वादा करती है कि वो उसे बहने देगी? नहीं, लाठी सांप से वादा करती है कि वो उसका सर कुचल देगी। मैं तुम्हें एक मिनट देता हूं, तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें आधा मिनट देता हूं, अपने हथियार फेंक दो। मैं कानून हूं और कानून डाकुओं से नहीं डरता। भैया, भैया तुम्हें मेरी जान की कसम भैया, गोली मत चलाना भैया। जा बाबू, आज तो इसने तुम्हें बचा दिया, अगली मुलाकात में फिर हिसाब तय करेंगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था, अगली मुलाकात दूसरे अंदाज में होगी करण सिंह। क्या हुआ माटी? पानी डालना है सरदार। किशन पानी लाओ। क्या सोच रही हो दुर्गा, तूने उस पुलिस वाले को क्यों बचाया? आप यकीन नहीं करेंगे भैया। तू उसे जानती है क्या? बहुत अच्छी तरह। मतलब? इसी के साथ तुम्हें शादी होने वाली थी। दुर्गा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माटी फौरन गाड़ी वापस लो। धीरज रखो भैया, अब तुम्हें भी मैं उसके काबिल नहीं रही। औरत की इज्जत मिट्टी का वो बर्तन होता है जो एक बार टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। चलो सरदार। दुर्गा, लगा
दाढ़ी तो एकदम बढ़िया हो गई है बाबूजी। दाढ़ी तो ठीक बन गई है यार, तो ऐसा कर जरा मुझ ठीक कर दे मेरी। अच्छा आज मुझे खास जगह जाना है। अच्छा अच्छा, आज तुम्हें यमराज के पास जाना है जानकी राम। क्यों, पहचाना नहीं? भूल गए थे, लेकिन ये तुम्हें नहीं भूली है। अपने आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत चुकाने आई है। और उसके बाद तुम्हारे मित्र विष्णु सिंह की बारी है। मुझे माफ करो दीदी, मुझे जाने दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, नीच जलील कमीने कुत्ते इंसान, आज तुझे उसी नर्क में भेज देगी जिसमें तूने उसे जीते जी जिंदा ढकेल दिया था। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अच्छा क्यों, जाओ। अच्छा जी, जी। मेरी उंगली फंस गई। मुझे जाने दो दी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर। इतना भयानक कत्ल, लेकिन क्यों? सर ये लोग इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं, इससे साफ जाहिर है कि यह खून करण सिंह ने किया। हजाम सर। राम राम हुजूर। तुम वारदात के वक्त यहाँ मौजूद थे, सच सच बताओ ये कत्ल करण सिंह ने किया है? नहीं हुजूर। तो फिर? उसके साथ एक लड़की थी हुजूर, दुर्गा, उसने। लेकिन क्यों, दुर्गा की जानकी राम से दुश्मनी थी? ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, ये कह रही थी हुजूर कि तुम्हारे बाद विष्णु सिंह की बारी है। श्रीधर सर, एक एक से बदला। यस सर। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जानकी राम के कौन कौन दोस्त हैं? हुजूर रामगढ़, नहीं हुजूर वो शामगढ़ के, विष्णु सिंह यहाँ अक्सर आते हैं हुजूर, और मैं किसी को नहीं जानता, माई बाप बहुत गरीब आदमी। श्रीधर सर, शामगढ़ के विष्णु सिंह। यस सर। बैंगन काले काले सुन ओ मोटे लाले, खाए इसको दिल वाले, खाए इसको दिल वाले। चोट तो नहीं लगी? सोच के बताएंगे। What do you mean? सोच के बताएंगे? अरे भाई इसमें सोचने की क्या बात है, चोट लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। कुछ चोटें ऐसी भी होती है बाबू, जिनका पता बाद में चलता है। अच्छा जी, तो वो कौन सी चोट होती है? भीतरी चोट, जब नींद आने का वक्त होता है ना, तब ये दर्द जागता है। नमस्ते जी। नमस्ते। सब ताले बजाओ, सरदार 3 साल के बाद मुहरे। धनी बनाओ। हाँ हाँ बनाओ, पर याद रखना, एक बूंद खून निकला तो एक बूंद खून पी जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं पा रहा हूँ। भला सब अपने अपने हंसी बंद करो, एक घर में बाहर आया। Yeah.
आ रही है। सुंगो, मैं कहता हूँ सुंगो, मैं कहता हूँ सुंगो। ते बस सरदार बनना चाहता है। आज स्नान करने की खुशी में मैं बहुत बड़ी दावा दे रहा हूँ। और देखो आज कोई सुना है शहर से बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर रंगा को पकड़ने आया है। उसको ये नहीं पता रंगा उसको मच्छर की तरह मसल देगा। जाओ देखो वो क्या करना चाहता है। पर याद रखना पहले काम बाद में दारू, पहले दारू बाद में काम। सोच के बताएंगे। इसमें सोचने की क्या बात है। अब की बार तो जरूर चोट लगी होगी। चोट तो बहुत जोरों की लगी है बाबू, मुझसे उठा नहीं जाता। पहले घर छोड़ाओ ना। अच्छा एक बात तो बता छोरी, ये तू भाजी वाजी केले वेले जलाती है, ये तू कहाँ से लाती है? तेरा कोई बाग बाग है? आप भी नमस्ते। जब ये गांव ही हमारा है तो यहाँ का बाग और खेत सब अपना ही। बस दिल किया किसी भी बाग या खेत में चली गई और तोड़ कर ले आई। क्या मतलब? लो अब इन्हें मतलब भी समझा। अरे बाबू ये तो सब मैं खेतों से चुरा कर लाती हूँ। तू चोरी करती है? यानी कि तू चोर है? तुझे पुलिस का डर नहीं? पुलिस? नमस्ते नमस्ते। अरे बाबू पुलिस आज तक रंगा जैसे डाकू को नहीं पकड़ सकी जो दिन दहाड़े राह चलते आदमियों को लूट लेता है। बेकसूर इंसानों का खून बहाता है, शरीफ औरतों की इज्जत लूटता है। उस निकम्मी पुलिस से तो तुम जैसे बुद्ध ही डरे। मैं नहीं डरती। रंगा भी एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। मैं भी उसी दिन चोरी करना छोड़ दूंगी।
कौन है ये? तू इनकी गाड़ी में क्यों आई? बापू पाँव में चोट आ गई थी ना, इसलिए इनकी गाड़ी में आई। बाबू है ना, नए आए हैं अपने गांव में। बापू तुम इतने घबरा क्यों गए? ये अच्छा आदमी है, बस थोड़ा थोड़ा। नमस्ते है, नमस्ते। क्या बक रही है पगली? ये तो पुलिस ऑफिसर है। नमस्ते जी, नमस्ते। इसकी बातों का बुरा ना मानना हजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने इसे यहाँ पहुँचाने की तकलीफ की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? आप सबसे अलग अलग गांव से दूर जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आप चुप क्यों हैं? बता दो बापू, इन्हें सब कुछ बता दो, ये हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ बताइए, क्या बात है? आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपने रंगा का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, उसी को गिरफ्तार करने के लिए मैं हेडक्वार्टर से आया। तो सुनिए, रंगा मेरा भाई। हाँ, मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद एक वैश्या को घर में रख लिया था। रंगा मेरे बाप के गुनाहों की औलाद है। बचपन में से ही हर किसी की नफरत मिलने के कारण वो एक नफरत का जीता जागता पुतला बन गया। 14 साल की उम्र में उसने मेरे और अपने बाप को कत्ल कर दिया। कसम खाई कि इस खानदान के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी के डर के मारे अपने आप को छुपाए रहता हूं हुजूर। अब बोलो बाबू, क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए। इस तरह डर की जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। रंगा को गिरफ्तार करके मैं उसकी दहशत इस तमाम इलाके से खत्म कर दूंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रयाग मेले में? भला क्यों? भगवान के दर्शन करने? ये रहा भगवान, कर लो दर्शन, आओ आओ। लोग वहाँ गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तू कौन? मैं स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर? मुझे अंग्रेजी सिखाओ। ये सिखाने का कोई वक्त नहीं है। अरे इस बैग में क्या? इसमें अंग्रेजी अखबार। अरे अंग्रेजी अखबार? अंग्रेजी अखबार मुझे सिखाओ, नहीं आता। आओ 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 मास्टर जी, मास्टर जी आओ आओ आओ। बैठो 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 बैठो। गुरु मास्टर जी, जब मैं पहली बार जेल में गया था ना, वहाँ का जेलर बड़ी धांसू अंग्रेजी बोलता था। बताऊं कैसे? बताओ बताओ बताओ। ए डाम बन तुमने तो ना मांग बन तुमने बन ब्लडी 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 नो 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 यस 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 मंगो अपना काम चालू। जब कोई पढ़ रहा हो उसे तंग नहीं। अच्छा सरदार, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सरदार गांव का मुखिया यहाँ छुपा बैठा है। मुखिया से मिलकर रंगा खुश। अरे मत मारो मत मारो मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। सुनो सुनो, वो मास्टर की लाश पड़ी है, उसको सीधा थाने ले जाओ और कहना करण सिंह ने मारा है। मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, और वो भी करण सिंह के खिलाफ। झूठ नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोलोगे? अब तो बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं नहीं बाबा, नहीं झूठ नहीं बोलना। अरे अरे पुलिस पुलिस, भागो 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 भागो, पुलिस आ गई है। उसको क्या कहना कि उस मास्टर को करण सिंह ने मारा है, नहीं तो उस पोते को खा दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। बच्चा मेरा खुला, पुलिस 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 पुलिस।
करण सिंह चलो प्लीज आई चलो चलो रंगा रीटी मैंने बजाई थी संगा खुश चलो मैं जाता हूँ और मजा आएगा बेटा और मजा आएगा रंगा तू हमेशा दुनिया से ऊपर उठकर चलता था ना आज मैं तुझको दुनिया से ऊपर से देखने का मौका दे रहा हूँ अरे यार मेरा शुक्रिया तो अदा कर रंगा मेरा मैंने इसका बदला ना लिया तो मेरा नाम रंगा नहीं अगर तू बच जाए तो बेशक पुलिस स्टेशन में मेरा नाम ले देना मुझे कोई एतराज नहीं है कमीने कांते आ जा बेटा आ मेरा बेटा यहाँ खड़ा हो जा हाय राम ये क्या अरे भैया अरे यहाँ कौन बांध गया है तुझे बोलना अरे कहीं रंगा डाकू तो नहीं मिल गया था रंगा उस कुत्ते ने मारा मुझे मेरा ये तो ये ले रंगा अरे राम वो तो बड़ा ही बदमाश बड़ा गंदा शुक्र है भगवान का तुम बच गए तेरी वजह से बचे अब तो तुझे इनाम देना चाहिए नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं क्यों 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 छोड़ रंगा तीन चार बनाया रंगा कमजोर तो उसको हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था सर कि मुजरिम चाहे कितना भी होशियार हो वह एक दिन खुद अपने जाल में फंस जाता है जी हाँ सर उस भोपाल वाले रेप केस को क्या हुआ जिसमें तीन मुजरिम थे हाँ जी क्या कहा दो को 14-14 साल की सजा हुई और एक जो सरकारी गवाह बन गया उसे छोड़ दिया गया अरे सर तो बहुत अच्छा हुआ जी सरकारी गवाह को छोड़ देना चाहिए हाँ जी ओके सर आई कॉल यू बैक ओके जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ये तो आप फरमाइए आपने मुझे याद किया है मैंने जी श्रीधर या सर 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 जानकी राम मर्डर कहीं आपका ख्याल ये तो नहीं कि वो खून मैंने किया है नो नो हम अच्छी तरह जानते हैं कि खून किसने किया है तो फिर मुझे यहाँ बुलाने की वजह तो जानना चाहता हूँ जानकी राम का खून क्यों हुआ मुझे क्या मालूम वो तो आपका दोस्त था दोस्त ये आपसे किसने कहा कारोबार के सिलसिले में एक दो बार उनसे मुलाकात जरूर हुई थी इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा दोस्त था मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है दुर्गा ने इसके बाद तुम्हारा खून करने की कसम खाई है दुर्गा मैं नहीं जानता दुर्गा कौन है विष्णु सिंह ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुर्गा कौन है और यह भी जानते हो कि तुम्हारा खून क्यों करना चाहती है और इस तरह चिल्लाकर आप मुझे डरा नहीं सकते मैं भी कानून जानता हूं अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो निकालिए वारंट कर लीजिए मुझे गिरफ्तार फिर आपकी हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तमाम हालात सच सच बता दो बहुत अच्छे मुझे कुछ और काम भी है मैं चलता हूँ ठीक है जाइए लेकिन मैं आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ एक बॉडीगार्ड भेज देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थैंक यू एनीवे
सिदार जी, इसके पीछे एक आदमी भेजो जो इस पे निगाह रखे। बैठो बैठो, मैं खुद जाता हूं। कलवा, शेरू, रघु, कहां मर गए सबके सब? सुअर के बच्चे। इतनी जल्दी ना करो विष्णु सिंह, मैं अभी तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खोलती हूँ। अब डर रहा है मुझसे? इसके बदन को छूते वक्त तुझे कुछ डरना था? उस वक्त की अपला दुर्गा तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। मैं जानकी राम नहीं हूँ जो आसानी से तुम्हारी गोली का निशाना बन जाऊंगा, समझे? क्या अब भी तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें हिफाजत की जरूरत नहीं? क्या अब भी तुम अपने आप को बेगुनाह समझते हो? मुमकिन है किसी और के धोखे मुझे निशाना बना रहे हो। अभी मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज है, लेकिन इसके बाद तुम्हें गिरफ्तार करना भी मेरा फर्ज होगा। मिस्टर सिंह, पुलिस बाबू, ये विष्णु मेरा पुराना गिरफ्तार है, तुम बीच में ना आओ। मैं अपने फर्ज से वो नहीं मोड़ सकता। यही फर्ज है तुम्हारा जो जालिम के साथ खड़े होकर मजलूमों पर गोलियां चला रहे हो। मेरे जीते जी, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तू है ऐसे कानून पर जो किसी की लुटी हुई इज्जत नहीं बचा सकता। क्या इस भेड़िया की जिंदगी इसकी आबरू से ज्यादा कीमती है? आबरू और जिंदगी का दाम अदालत तय करेगी करण सिंह। ठीक है बाबू, मैं तुम्हारी बात नहीं चल सकती, लेकिन मैं तुमसे यह कह देता हूँ कि तुम्हें कैसे सांप को दूध पिला रहे हो जो वक्त आने पर तुम्हें भी डसने से नहीं छूएगा। आज तुम्हारी वजह से इसे एक दिन की जिंदगी और मिल गई। चलो। आइए विष्णु सिंह, पुलिस स्टेशन चलें। चलिए। रिवॉल्वर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले करता हूं। मैं तो वैसे आज का दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझा था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। कम से कम अपना शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए मुझे। विष्णु सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं इंस्पेक्टर। पागल मत बनो विष्णु सिंह, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। कल? कल आज से बहुत दूर है माय डियर इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें अभी गोली मारकर तुम्हारी लाश को ही फेंक जाऊंगा। तुम मेरे खिलाफ बहुत कुछ जान चुके हो। अब कैसे गिरफ्तार करोगे इंस्पेक्टर? इस दलील का जिंदा रहना कानून और भगवान दोनों का अपमान है। किसी कारण दुर्गा तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए मेरे साथ पीछे हटते रहो और मैं गोली मार दूंगा। बेवकूफी मत करो विष्णु सिंह, वो हम दोनों को मार डालेगी। लाओ रिवॉल्वर मुझे दो, मैं अभी तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला इंस्पेक्टर, चुपचाप।
हाँ भाई शंकर ही चाहिए। चाचा जी आप कैसे हैं? ओ शंकर बेटे तुम तो यहाँ से कुछ ऐसे भागे कि अपने चाचा को भूल ही गए। चाची बात ये कि मैं अरे बात बात मैं सब समझता हूँ। शादी ब्याह से भागना चाहता है, नहीं करता तो ना कर ब्याह, लेकिन कम वक्त कम से कम उस लड़की को एक दफा देख तो ले। और हाँ देख मुझे भी उनका हाल चाल जानने की बहुत चिंता है। जब से उस लड़की का भाई किशन सिंह गया है उसने कुछ खबर ही नहीं दी। किशन कौन से गाँव का है चाचा जी? अरे भाई तुम्हारे ही इलाके का है, लाल गाँव का, और उसकी बहन का नाम है दुर्गा। दुर्गा किशन लाल गाँव? क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चाचा जी कुछ नहीं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ जी। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मुझे दुर्गा से मिलना है अभी अभी इसी वक्त। दुर्गा हवलदार साहब। ए हवलदार साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम यहाँ कैसे? मैं हाफिज गई थी। हाफिज साहब उधर नहीं मिला इसलिए मैं इधर आई। मेरा साहब किधर है? क्या बताऊं तुम्हारे साहब किधर गए हैं, दिन रात दुर्गा की तलाश में जंगलों की खाक छानते फिरते हैं, न खाने की फिक्र न सोने की फिक्र। लो आ गए, बहुत बड़ी उम्र है इनकी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। लो तो देखो अभी अभी धूप से आए और ठंडे पानी से नहाने लगे, ऐसे में तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ। आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं सॉरी, मैं तो समझाते समझाते खुद ना समझ हो गया। तुम ही कुछ समझाओ, शायद तुम्हारी कुछ सुने। इतने में मैं खाना लगवाता हूँ, मुंह में धोने वाले तो चले जाएंगे, अब तो परेशान हो गया। जरूरी है बाबू, और फिर तुम्हारी देखभाल करने वाली भी तो कोई नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। हाँ? जब तक दुर्गा नहीं मिलती मुझे चैन नहीं मिलेगा छोरी। बस इतनी सी बात, मुझे क्यों नहीं बोला, मैं मिला देती। तुम्हें मालूम है वो कहाँ मिलेगी? मालूम है मालूम है मालूम है। हाँ चलो तो फिर चलो चलो। सर दुर्गा की पूजा से पहले पेट की पूजा बहुत जरूरी है, भूखे पेट कोई काम नहीं होता। खैर आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। चलो श्रीधर साहब का जूठा खाना खा लो, शायद तरक्की हो जाए। बस 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 Ha ha ha.
अब और कितनी दूर जाना छोड़ी, कहाँ मिलेगी दुर्गा? इससे अच्छी मिलने की जगह और कहाँ होगी? मुझे तो कहीं नजर नहीं आती यहाँ दुर्गा, तो क्या पंच भी नजर नहीं आएगा? क्या मतलब? मतलब साफ है, दो मिलने वालों में तीसरे का क्या काम? देख छोरी, मुझे ऐसी बात बिल्कुल अच्छी लगती है। चल मजाक छोड़, बता दुर्गा कहाँ है? दुर्गा दुर्गा दुर्गा, कभी एक नजर हमको भी देख लिया करो बाबू। छोरी ये मजाक छोड़ो, यहाँ जान पे बनी है और तुम इसे मजाक कहते हो? मैं अपना दिल कैसे चीर के दिखाऊं बाबू? मैं अपना प्यार तुम्हारे चरणों पर रखती हूँ, चाहे गले का हार बना लो या पाँव की धूल। जरा समझने की कोशिश करो छोरी, मैं कितने परेशानियों में तू नहीं जानती। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है मैंने, जब तक उसे पूरा ना कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर तू तो एक अच्छी लड़की है और मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, है ना? तो फिर मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती छोरी? हंस, ए हंस ना। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन काम होशियारी से करना। इंस्पेक्टर शंकर हम जैसे लोगों की तलाश में हर वक्त लगा रहता है। तुम उसकी फिक्र ना करो, रंगा आज उदास 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 जी, बहुत उदास। रंगा कुछ, रंगा कुछ, रंगा कुछ।
किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख सके? तुम बेफिक्र होके बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। गांव में चलना फिरना मुश्किल हो गया है मालिक, मेरी बेटी चंपा को राह चलते लोग छेड़ते हैं, उनसे इसकी रक्षा कीजिए या पर चुटकी भर जहर खिला दीजिए इसे। चला मालूम करो ये कौन लोग हैं जो हमारी प्रजा को इस तरह परेशान करते रहते हैं। जी मालिक। तुम फिक्र ना करो चंपा की माँ, छानबीन करके एक एक बदमाश को सजा दूंगा। जुग जुग जियो मालिक। चलो बेटी चलो। चला। जी मालिक। अबे मालिक के बच्चे, ये फूल आज तक हमारी सेज पे क्यों नहीं महका? महक जाएगा जी, महक जाएगा। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा जी, हो जाएगा। करम सिंह, तुम्हारे होते हुए भी मेरी सीता जैसी बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी बेटे। बस करो माँ, बस करो। मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। हमारे पास आंसुओं के बगैर क्या रह गया है बेटे? हमें सताने वाला शैतान दिन दिहाड़े छाती तार कर चल रहा है। मैं उस शैतान की तनी हुई छाती में सुराख कर दूंगा। माँ भवानी की कसम, मैं आज ही उस कमीने को खत्म करके इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। मैं तुम्हें अटका के जा रहा हूँ।
करण सिंह दादा रंगा खुश जा 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 जा। दुर्गा, मैं ना तो खुद को बचा सका और ना ही तुम्हें। राखी की इज्जत भी नहीं रख सका। राखी खुद अपनी रक्षा करती है भैया। मतलब? मैं रास्ते में राखी डालती हुई आई हूँ। अरे जवाना किधर गया? अंदर गया? घर इधर बैठ जाऊं। सोना चांदी मांगू तेरी दाढ़ी तेरे द्वार खड़ा है ना। मोहम्मद रफी की औलाद मुझे पैसे नहीं चाहिए, तेरी दाढ़ी चाहिए। ध्यान से साबुन कौन सा है? लक्स लक्स लक्स। दुर्गा, लगता है यहाँ कोई साधु बाबा रहते थे। ले ये त्रिशूल, ये तेरी रक्षा करेगा। अपना ध्यान रखना, मैं अपनी जीप लेकर आता हूं। अरे वाह 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 वाह, तू तो साक्षात दुर्गा मैया लग रही है। तेरा काम पूरा हो जाए मैया, मैं भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छा सुन, जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं जाना नहीं है, यूं ही बैठना। अब ये जीप नहीं चलेगी करण सिंह, इसका पुर्जा मेरे पास है। एक दूसरी जीप तुम्हारा इंतजार कर रही है, मगर वो सीधे हवालात को जाती है। याद है मैंने तुमसे कहा था एक दिन फिर मिलेंगे? मैं यहां दो दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दुर्गा कहां है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो, मुझे उससे मिलना है, जरूरी मिलना है। एक पुलिस अफसर एक डाकू से इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। बीच में बहुत बड़ी दीवार है, कानून की दीवार, तुम्हारे कानून की। तुम कानून के महाफिज हो, और दुर्गा
कानून की दुश्मन? एक मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल कर भी उससे मिलना चाहता हूँ करण सिंह। लेकिन जब तक उसका काम खत्म ना हो वो किसी से नहीं मिलना चाहती, तुमसे भी नहीं। उसका काम मैंने पूरा कर दिया है। पंडित कालीचरण अब जेल में है। लेकिन रंगा ने उसके भाई को कत्ल किया था, दुर्गा को उससे भी बदला लेना है। मैं रंगा और उसके गिरोह का नाम और निशान मिटा दूंगा करण सिंह। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हम डाकू आपस के झगड़ों में पुलिस वालों को बीच में नहीं डालते। हमारे भी अपने कुछ उसूल हैं, अपने कानून हैं। करण सिंह तुम मुझे किसी भी तरह दुर्गा से मिला दो। इसके बदले में क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता करण सिंह। कानून हर हाल में कानून है। तो फिर मुझे भी नहीं मालूम दुर्गा कहाँ है। ठीक है, तो फिर आज तुम मेरी जीप चलाओगे करण सिंह। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कौन? करण सिंह। अरे तुम इस समय कहाँ बैठे हो जानते हो? जेल में। और यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची हैं। वो सब तुम जैसे लोगों के लिए हैं। मैं अपने सामने की हर रुकावट को हटाना जानता हूँ, हर दीवार को गिराना जानता हूँ। आज ही रात को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और सबसे पहले दुर्गा को गोली मारूंगा। सच? तुम दुर्गा को मार दोगे? भैया करण सिंह, तुम्हारी मुझसे तो कोई दुश्मनी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भैया, मुझको भी अपने साथ यहाँ से निकाल ले चलो। पंडित जी, आपको साथ ले जाने में कहीं मैं ना फंस जाऊं। अरे भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। गरीब ब्राह्मण पे दया करो, गरीब ब्राह्मण पे। अच्छा, तैयार रहो। आज ही रात को हाँ पंडित जी, पंडित जी बच गए ना? हाँ भैया, बच गए। अब बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। ऐसे नहीं, ऊंचा बोलो पंडित जी। हाँ जी। दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। पंडित जी, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। जब तुम लोग मेरी इज्जत पे डाका डाल रहे थे, भगवान तब भी चुप थे। आज तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतते देखकर कैसे चुप ना रहेंगे? उसकी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जय माँ भवानी। सर, मैंने छोरी को बुलवाया है, मदन लेकर आता ही होगा। लीजिए, मदन आ गया। छोरी कहाँ? सर, डाकू छोरी और उसके बाप को उठा कर ले गए। क्या? यस सर। कहाँ ले गए? रंगा के अड्डे पर। जल्दी चलिए सर, आज मैंने उसके अड्डे का पता लगा लिया है। सच? यस सर। वेरी गुड। सीधर सर, हेडक्वार्टर मिला। यस सर। तुमने बहुत बड़ा काम किया मदन, वेल डन। थैंक यू सर। आज मैं रंगा के अड्डे पर ऐसा रेड करूंगा कि उसके पश्च निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। सर, आई जी ऑन द लाइन। राइट शंकर सर, commencing operation cobra. Yes sir, send force immediately south of Chachai valley. Right sir. Thank you sir, over and out. Shridhar sir, main raste mein nishan lagata hua jaunga. Headquarters se force aate hi force ko ravana kar dena. All right sir. Okay, main chori uske baap ko bachane ki koshish karta hu. Yes sir. Shridhar sir, sir, good luck sir, good luck. God bless you sir.
मेरे साथ साथ ही तुम किस लड़की को पकड़ लाए हो? कौन है ये? तुम इसे नहीं जानते? नहीं। ये तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी? हाँ? तो इस धोखे में पढ़कर तुम इसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? अच्छा, ये तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं। ये तुम्हारी बेटी नहीं है ना? नहीं, नहीं है ना? नहीं, नहीं है ना? नहीं, 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 नहीं है, नहीं है ना? नहीं, नहीं है ना? नहीं है ना? मत मारो इन्हें। रंगा कभी धोखा नहीं खाता। मैं वेश्या का बेटा हूं और इसको भी वेश्या बनाऊंगा। मेरी माँ को विषय बनाया था। मैं तेरी बेटी को विषय क्यों ना बनाऊं? मैं तेरा भाई हूं रंगा। मैं नहीं चाहता मुझे भाई कहने वाला इस दुनिया में जिंदा रहे। छुपा हुआ था? अरे नहीं सरदार, छुपा हुआ नहीं था, मुन्ने लेटा हुआ था। नाइस हॉर्स, बहुत अच्छा घोड़ा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? देखो देखो कौन है तुम? हैं? कौन हो? हम हम हिप्पी है। हिप्पी ये क्या हुआ? लड़का या लड़की या फिर हाय हट मुए। अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा मोटा है लेकिन अच्छा है। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? तुम हमको देखा बैटमैन? नहीं नहीं नहीं, तुम हमको सपने में देखा। सपने में? हाँ। सपने में मैं तो सिर्फ लड़कियों को देखता हूँ। हे वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे तू तो ऐसे घूम रहा है जैसे तेरे बाप की जगह हो। नो नो, ना तो तुम्हारे बाप का है ना तो हमारे बाप का है, ये तो बाप का बाप ऑलमाइटी का है दुनिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फॉरगिव हिम अ लॉर्ड फॉर ही नॉट नो व्हाट ही डूइंग। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर, थ्री बैग्स फुल, one for a master and one for the dame, a dirty dame, and one for the little boy who lives down the lane. तुम तो बड़ी अंग्रेजी जानते हो। तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओ, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? चाचा गोली चलाना, कल से सबक चालू। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? अरे ये तो बड़ी कामयाबी है। तुम्हारा नाम क्या? रंगा, रंगा। अरे नाम नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा। ए बी सी डी मतलब तुम्हारा नाम क्या? मतलब ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। मतलब मार मार के तुम्हारा फुरकस फट देगा। मतलब स्लेट दो, ये लो लो लो, ये लो। तोड़ दी, जिंदगी में एक चीज कमाई थी, तोड़ दी। सरी क्या होता है? अच्छा मास्टर बनता है, अंग्रेजी नहीं जानता, इंग्लिश इंग्लिश। सरी बोल, सरी नहीं, सरी नहीं, सॉरी, एस ओ आर आर वाई, सॉरी। सॉरी सॉरी। अच्छा रंगा से जवान लड़ाता है? सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। हम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। बड़ा होशियार, बड़ा होशियार। अच्छा आज का मेरा सबक खत्म, अब तेरी बारी, चालू उठा इसे, उठा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, नहीं मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता, मैं बताता हूँ, कंधे पर, कंधे पर, कंधे पर, ये कुत्ता है, अच्छा नहीं लगता है, बच्चा, बच्चा, गोली, ये भी अच्छा नहीं लगता, और ये भी अच्छा नहीं लगता। अरे रोड पर तो कोई निशानी नहीं है। फोन दो। हेलो हेलो, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन कोबरा, इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह है, इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह है सर, रोड पर कोई निशान नहीं मिल रहा, फोर्स रुक गई है सर। यस सर, मैं अभी पिस्टल सिग्नल देता हूँ सर। ये जो खूबसूरत लड़की खड़ी है ना, है? ये मेरी बतिया, मैंने फैसला किया कि इसको वैसे आज इसका पहला नाच गाना यह होगा।
खुश, बहुत खुश, इसलिए एक मौका, इन दोनों में से तुम किसी एक की जान बचा सकती हो। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। फिर देखता हूं तुझे कौन बचाता है। मंगो सदा उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। Thank you.
भी दौड़ा दिए जाओगे। मत पड़ा। तुम बीच में से हट जा बाबू, ये मेरा शिकार है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था दुर्गा। माफी मुझसे? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मैंने तो सब कुछ बिगाड़ा है। चाचा जी की बात मानकर अगर मैं शादी के लिए राजी हो जाता तो तुम्हारा ये हाल ना होता। ये सब मेरी तकदीर का दोष है बाबू। अब तुम हट जाओ सामने से। फेंक दो ये बंदूक दुर्गा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। एक पुलिस अफसर की हैसियत नहीं बल्कि तुम्हारा क्या? दुर्गा मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। माय गॉड, मैंने तुम्हें खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती है सब ऑफिस ने क्या कहा? कहा है कि दुर्गा कुछ और माफी के काबिल है। मुझे विश्वास था, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई हूँ। अरे तू तो हमेशा मेरे कोई ना कोई तोहफा ले ही आती है। बाबू, दुर्गा तुम्हारी असली हकदार है। उसने बहुत दुख उठाया, उसे हमेशा खुश रखना। लो ये मेरा आखिरी तोहफा, सिंदूर, इससे दुर्गा की मांग भर देना। लो नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हूँ। करण सिंह जी, जी आप जान के बड़ी खुशी होगी, जितने बड़े बड़े अफसर हैं सब आपके हक में हैं। आप दोनों को कम से कम सजा होगी। बस अब मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, आपका एक और काम बाकी। वो क्या? कन्यादान। सच? बिंदिया लगा